नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने रसोई घर के विषय पर कुछ खास बातें बताई थी। भगवान कृष्ण कहते हैं, रसोई घर में ये चीज लेकर कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, आती है भयंकर बर्बादी। दोस्तों, जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। कहते हैं कि रसोई घर ऐसी जगह होती है जो अच्छी सेहत के अलावा घर की सुख समृद्धि से भी जुड़ी हुई है। वहीं रसोई घर में कदम रखते ही घर की गृहिणी अन्नपूर्णा और भोज्यकर्ता बन जाती है, क्योंकि इसमें माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर में ये चीज लेकर कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, पूरा परिवार बीमारी का सामना करता है। यही नहीं, इससे घर में कई परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किचन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी जिस घर में अपना वास बना ले वो घर कभी भी दुखी नहीं रहता। अगर आप भी माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माँ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, नंबर एक, भगवान कृष्ण स्पष्ट बताते हैं कि रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी माता अन्नपूर्णा का वास होता है। रसोई घर में जब भी आप खाना बनाएं तो आपका मुख दक्षिण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। ऐसा करने से खाना खाने वाली की अच्छी सेहत रहती है और कामयाबी प्राप्त होती है, खाना भी स्वादिष्ट बनता है। दोस्तों, नंबर दो, खास तौर पर रसोई घर में मंगलवार और शनिवार के दिन कोई भी लोहे का सामान खरीदकर रसोई घर में नहीं लाना चाहिए, इससे व्यक्ति को दोष लगता है। साथ ही साथ रसोई घर में चाकू छुरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाती है और घर में मार काट होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर में खंडित बर्तन नहीं होने चाहिए, इससे परिवार पर दोष लगता है। दोस्तों, नंबर तीन, रसोई घर में कभी भी जूते चप्पल लेकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर पाप माना जाता है और आपके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। माता अन्नपूर्णा हो जाती है नाराज। अगर आपको पैरों में चप्पल पहननी ही है तो आप कपड़े की चप्पल या लकड़ी की चप्पल पहनकर ही प्रवेश करें, ऐसा करने पर आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, नंबर चार, रसोई घर में खाना बनाते समय खाने का बार बार स्वाद नहीं चखना चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होकर चली जाती है और घर में आ जाती है गरीबी। खाने को बार बार नहीं चखना चाहिए, इससे घर में अन्न की कमी हो सकती है। पहले आप खाने को गैस या चूल्हे पर थोड़ी देर चढ़ा दें, उसके बाद आप भोजन को चख सकते हैं, ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, नंबर पाँच, वास्तु के अनुसार जलते हुए तवे पर एकदम से पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए, यह शुभ नहीं होता। ऐसा करने से आपके ऊपर दोष लगता है और घर की सुख शांति भी धीरे धीरे सब भंग हो जाती है। पहले तवे को ठंडा होने दें, उसके बाद धो सकते हैं। दोस्तों, नंबर छह, भगवान कृष्ण कहते हैं रसोई घर में हमेशा शहद, देसी घी, जल से भरा पात्र और अनाज हमेशा व्यक्ति को सदैव रखना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। माता अन्नपूर्णा सदैव अपना वास ऐसे घर में ही बनाए रखती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।